करते हैं, जो एलिगेशन लगा हुआ है उसको हटाया जाए कृपया करके, ये गलत मांग कर रहे हैं। हाँ मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं। जो इसको मनीष कश्यप अगर मुख्यमंत्री के चुनाव में खड़ा होंगे तो क्या उनको वोट दीजिएगा? जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, वो एकदम सही न्यूज दिखाते हैं, सब कुछ सही। तो सरकार उनके ऊपर जो एनएसए लगा दिया तो क्या सही है? गलत है ये, बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है ये, गलत है एकदम। सही करते थे तब ना दाल मिला बच्चे लोग को खिचड़ी में, तो उजला चावल वही खिचड़ी बना के गोलत बना के दे दिया जाता था। अच्छा मनीष कश्यप का खबर आप लोग देखते थे? हाँ रेगुलर देखते, रेगुलर ऐसा खबर लगता था, स्टूडेंट पे रहता था, स्टूडेंट पे, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेशन किया, स्टूडेंट को देता है कि आगे क्या कर सके। पढ़ रहे हैं क्या? आपका सपना होगा ना, क्या बनिएगा? सपना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। छोटा बनना है कि बड़ा बनना? बड़ा बनना है। कमीशन वाला नहीं? कमीशन नहीं बनना है, एकदम सेवा करना, सेवा करना है, मैं जल्द जल्द छोड़ा जाए। नमस्कार, मिशन सच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाया घाट में उपस्थित है और स्टूडेंट ने मनीष कश्यप के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। हम इनसे जानेंगे क्या मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा दिया गया है क्या वास्तव में सही है या गलत है। ये आप लोग कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th। 12th में कहाँ पढ़ रहे हैं? हाई स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, MKG प्लस 2 हाई स्कूल। तो मेहनत से पढ़ते हैं ना? थोड़ा बहुत मन लगा के, थोड़ा बहुत। कुछ मनीष कश्यप के बारे में जानते हैं आप? हाँ, वो क्या उनके ऊपर जो NSA लगा दिया गया या सही है या गलत है? पहले तो इसका फुल फॉर्म बताइए, मेरे नहीं पता है। NSA का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है? तो उनके ऊपर जो लगा दिया गया है, और ये गलत हुआ कि उनके ऊपर मतलब NSA लगा दिया गया। वो रिपोर्टर है तो उनका काम है ये मतलब करने का, तो मतलब किसी के साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। मतलब रिपोर्टर है वो, उनका काम है, और वो अच्छी चीज़ दिखा रहे थे इसीलिए। बताइए मनीष कश्यप को जानते हैं? जी हम मनीष कश्यप को जानते हैं। क्या उनके ऊपर जो NSA लगा दिया है उसने उसे लगा दिया गया, बहुत गलत किए हैं सरकार ने, और ये बिहार के बेटे को ये गलत तरीके से फंसाया गया है। और जो मनीष कश्यप है सही न्यूज़ को देते हैं, उस तरह का विद्यार्थी को सहायता करते हैं, लेकिन झूठी अफवाह फैलाकर मनीष कश्यप को पकड़ा दिया गया है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं कि मनीष कश्यप मांग करते हैं कि मनीष कश्यप को छोड़ा जल्दी से जल्द छोड़ा जाए दिया जाए? हाँ क्या मनीष कश्यप अगर मुख्यमंत्री के चुनाव में खड़ा होंगे तो क्या उनको वोट दीजिएगा? जरूर देंगे, जरूर देंगे, जरूर देंगे, उसको देंगे, जरूर देंगे, वो एकदम सही न्यूज दिखाते हैं, सब कुछ सही करते हैं। जो एलिगेशन लगा हुआ है उसको हटाया जाए कृपया करके, ये गलत मांग कर रहे हैं। हाँ मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं? जी जी मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं? जो इसमें मनीष कश्यप को इसमें किया है सब पर कार्यवाही भी होगा। ये मनीष कश्यप को जानते हैं आप? जी। क्या उनके ऊपर जो NSA लगा दिया है अभी जेल में बंद है, तो क्या आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग नहीं मांग कर रहे हैं, छोड़ दी जाए, और क्या करेंगे हम लोग? और नहीं, नहीं। आप लोग उनको समर्थन कर सकते हैं छोड़ दें, क्योंकि बहुत तरह का अच्छा काम कर रहे थे, वो देख रहे थे, बहुत अच्छा सा न्यूज बनाते थे, रिपोर्टर थे, बहुत आगे विकास भी किया, कुछ कुछ गली में नाली यार नहीं था, रोड बनवा दिया, और शिक्षा के भी क्षेत्र में तो बहुत शिक्षा बहुत विद्यार्थी को लिए। जिस सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं था वहाँ कंप्यूटर भी लगा दिया गया, सही है? सही है, वही बात सही है। क्या आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं उसको आने से सिक्योरिटी हटाया जाए जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। क्या आप लोग समर्थन में? समर्थन पूरा समर्थन में है, पूरा समर्थन में, पूरा समर्थन। कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में पढ़ रहे हैं। क्या आपका सपना होगा ना, क्या बनिएगा? सपना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। छोटा बनना है कि बड़ा बनना है? कमीशन वाला नहीं? कमीशन नहीं बनना है, एकदम सेवा करना, सेवा करना है, जल्द जल्द छोड़ा। बताइए मनीष कश्यप के बारे में जानते हैं? यस। उसको जेल में बंद कर दिया गया है, ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। जैसे बिहार सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, फंसा दिया, ये गलत किया है, उसको छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए जी, क्योंकि उनके ऊपर जो NSA लगा दिया गया, बिहारी मजदूर को जो अदर स्टेट में जो मारते थे पीटते थे वही खबर तो दिखाया था। सही चीज नहीं पचता है ना, सही चीज नहीं पचता है ना, इसीलिए। तो क्या आप समर्थन कर रहे हैं? वास्तव में कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या बोले आपको? करते हैं आप लोग मनीष कश्यप के बारे में कि अभी जल्दी से जल्दी छूट जाए, जल्दी से जल्दी छूट जाए, जो कि स्टूडेंट अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा मनीष कश्यप का खबर आप लोग देखते थे? हाँ रेगुलर देखते, रेगुलर ऐसा खबर लगता था, स्टूडेंट पे रहता था, स्टूडेंट पे, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेशन किया, स्टूडेंट को देता है कि आगे क्या कर सके। क्या लोग कह रहा था कि वो मनीष कश्यप जो है गलत खबर चलाते थे, गलत बोलते थे, क्या वास्तव में वो फेक है? वो फेक एक तरह का न्यूज बना दिया फेक कि मनीष कश्यप को फंसाने के लिए, यही है। अभी पटना के जेल में है, तो आप लोग जेल से छूटने के लिए सरकार से हड़ कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, बैठ जाए यहाँ पर, धरना पर जाइएगा, क्योंकि बहुत अभी स्टूडेंट को अभी बहुत लापरवाही में हो रहा है मनीष कश्यप के कारण, जो कि अच्छा अच्छा खबर देते थे स्कूल के कारण, क्योंकि शिक्षा के बारे में उन्होंने आपका भविष्य के लिए जो स्टूडेंट है खास के उनके भविष्य के लिए आवाज उठाता था। हाँ आवाज उठाता था, क्योंकि देखिए स्टूडेंट अगर बहुत सारे जगह की स्टूडेंट को अभी
खाना वाना नहीं मिल रहा है, वो भी मनीष कश्यप के थ्रू से भी बहुत शिक्षा मिल रहा है, खाना बहुत सारा चीज़ मिल रहा है। लग रहा है कि बिहार में जो शिक्षा विभाग में कुछ चेंज हुआ है। देखिए हाँ, बहुत सारा है, मनीष कश्यप के कारण 80% चेंज हो चुका है, 80%, जो कि अभी मनीष कश्यप अभी भी आते हैं छूट कर तो 100% शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगा। कौन सा क्लास में पढ़ रहे अभी? 12th क्लास में। 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, हाँ। कुछ सपना होगा ना आपका? हाँ, अभी नीट निकाल के डॉक्टर बनना है। और एक जरूरी बताइए, क्या बात है? खिचड़ी में दाल नहीं रहता था ना, वो भी मतलब वो पूर्ति करवाए हैं मनीष कश्यप। हाँ, तो वो रिपोर्ट ही दाल, तो रिपोर्ट सही करता था कि गलत? ओरिजिनल वाली सही करता था कि गलत? सही करते थे तब ना दाल मिला बच्चे लोग को खिचड़ी में, तो उजला चावल वही खिचड़ी बना के गोलत बना के दे दिया जाता था। तो सही रिपोर्टिंग करते थे तो जो है आज उनको बहुत दिया गया है। बहुत गलत, बहुत अफसोस, बहुत गलत हुआ। क्या बहुत गलत हो गया? सरकार से मांग कर रहे हैं बहुत कि छोड़ देने के लिए उनको। अगर ये न्यूज फैल जाए तो 100% क्या लग रहा है 2025 में अगर जो है मनीष कश्यप जी जो है बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या आप लोग समर्थन दीजिएगा? पूरा समर्थन रहेगा हम लोग का। दिल से दीजिएगा कि वैसे ही बोल रहे हैं? दिल से देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 12वीं कक्षा के छात्र हैं और मनीष कश्यप के बारे में बहुत अच्छा बोला, क्योंकि उनके ऊपर जो NSA लगा दिया गया वो सरासरी गलत है, क्योंकि बिहार के उन सिस्टमों के बारे में बताता था, उन नाली उन सड़क के बारे में बताता था जहां पर भ्रष्टाचार का भंडार होता था, और उसको जो है NSA लगा दिया गया, वो अभी बिहार के जेल में बंद पड़ा हुआ है। लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लोगों का काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप सनव बिहार को जेल से रिहाई करे और फिर वही सड़क पे, वही नाले पे, वही सरकारी दफ्तर में जाके सही सही रिपोर्ट करके लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट थे, अपना अपना प्रतिक्रिया दिए कि NSA जल्द से जल्द मनीष कश्यप के ऊपर से हटा दिया जाए, क्योंकि ये शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छा से जो है वो कवरिंग करते थे, लोगों का दिल जीत लिया, लोगों को विश्वास जगा दिया कि वास्तव में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, सारी सिस्टम को दिखाया, फिर भी सरकार ने उनको NSA लगा के गलत तरीके से जेल में बंद कर दिया गया। अगर आप हमारी मिशन सच को देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए, फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।